गुड मॉर्निंग गाइस। और ये देखो, मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे ये चने, और आलमंड भी भिगो के रख दिए थे। अभी गर्म पानी पियेंगे, उसके बाद आलमंड ले लेंगे। ये देखो, मैंने बताया था ना, इसकी बीज आई थी और इसके बीच से ये कितने सारे पौधे आ गए ना? और ये पुदीना भी बहुत सारे आ गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ी सी पुरानी है, मतलब लास्ट संडे की वीडियो है। मैंने एडिट नहीं किए थे तो डाल नहीं पा रही थी, और संडे है तो लेट उठे और सब कम लेट लेट ही होंगे अभी। और वैसे ही मतलब हम लोग लेट उठने के बाद हम लोग गर्म पानी और आलमंड ली, और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ गुजिया। ये आटे की गुजिया है और ये बहुत सिंपल है, फटाक से बन जाती है, कोई ताम जाम दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास लेफ्ट ओवर आटे रखी हुई थी गुंडी हुई, रात को हम लोगों ने रोटी खाए थे तो आटे बच गए थे, तो मैंने रख दिया था फ्रीजर में। और वही आटे से मैं गुजिया बनाऊंगी। और थोड़ी सी नारियल मैं यहाँ पे निकल रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा नारियल नहीं चाहिए, मैं इतना ज़्यादा भी गुजिया नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी ही बना रही हूँ, तो बस निकाल लूँगी जितना मुझे चाहिए। उसमें नारियल में मैं मिलाऊँगी चीनी और थोड़ी सी हल्की सी नमक। और उसके बाद जो गुजिया बनाने वाले ये मशीन या शेप जो देते हैं गुजिया की, ये क्या कहते हैं इसको मुझे पता नहीं, बस उसके अंदर मैं रोटियां जो मैंने बना के रखे थे उसको ऐसे फैला दूंगी और स्टफिंग भर के उसको कवर करके प्रेस करके साइड में निकाल लूंगी। जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, ठीक वैसे ही कर लेना है। और एक एक करके मैं ऐसे ही सभी गुजिया रेडी कर लूंगी, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। और गुजिया ना बहुत तरीकों से बनती है, सबके अपने अपने स्टाइल है गुजिया बनाने के। कोई लोग इसमें खोया और मिल्क पाउडर वगैरह से भी बनाते हैं, कुछ कुछ नारियल ड्राई फ्रूट्स मिला के भी बनाते हैं, मतलब बहुत वर्जन है इसके, और सबका अपना अपना रेसिपी है गुजिया की। मैं ये ऐसे बनाती हूँ, मेरी माँ अम्मा और आसाम में ऐसे ही बनाते हैं गुजिया नारियल से। तो सभी गुजिया रेडी हो जाने के बाद मैं यहाँ पे फ्राई करने के लिए कढ़ाई पे रिफाइंड ऑयल लिया है। आप अपने हिसाब से
जो मर्जी घी ऑयल ऐड कर सकते हो या फ्राई कर सकते हो इसमें। और जब ऑयल गर्म हो जाए ना, तब गुजिया ऐड कर दीजिएगा। और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखना, लो फ्लेम पे बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल पी जाएंगे और मतलब इतना वो नहीं बनेंगे परफेक्टली। तो इसलिए इसका फ्लेम मीडियम टू हाई पे ही रखना और एक एक करके आप लगातार इसको चलाते हुए फ्राई कर लीजिएगा। तो मैं भी ऐसे ही एक एक करके सभी गुजिया रेडी कर लूंगी। तो सभी गुजिया रेडी हो जाने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिए थे, और मैं आप लोगों को पूरी प्लेट दिखाना भी भूल गई थी और रिकॉर्ड करना एक्चुअली भूल गई थी। और दोपहर में ऐसा हम लोगों ने कुछ किया नहीं, बस लंच किया था। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इवनिंग, ये ग्रोसरी सामान खरीद के लेके आ गए थे हम लोग। तो बस अब हम सभी चीजों को अच्छे से निकाल के सैनिटाइज करके उसको समेट दूंगी। तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल सुबह ही भिगो के रख दिए थे, तो अभी इसको साफ कर लेते हैं ना। तो ये उड़द दाल की मैं आज वरे बनाने वाली हूँ। एक्चुअली ना मुझे दही वड़े खाने की बहुत इच्छा हो रही थे, तो इसीलिए मैंने इसको मॉर्निंग में ही भिगो के रख दिए थे। अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना के एक दही वड़े बना लूंगी। और इसमें जो उड़द दाल को ना आपको बिना पानी के एक्चुअली ग्राइंड करना चाहिए, लेकिन अगर आपको ग्राइंड नहीं हो रहे है तो फिर आप थोड़ी सी हल्की सी पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन ज्यादा गीले मतलब लिक्विडी मत कर देना, नहीं तो ये बड़े बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। मतलब बनेंगे तो भी बहुत ज्यादा ऑयल पी जाएंगे और अच्छी वाली फ्लफी वाली बड़े नहीं बनेंगे। तो 3-4 बार मैंने इसको रुक रुक के ग्राइंड करने के बाद हमारी ये पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इसको अच्छे से फेटूंगी, बहुत अच्छे से फेटना है ताकि ये फ्लफी बन जाए। और उसके बाद गरम ऑयल में एक एक करके बड़े बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ दिखा तो दिया, लेकिन वरे बना के नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरी प्लान चेंज हो गई। उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही फ्रीजर में स्टोर कर दिया और नेक्स्ट डे बनाया, लेकिन उसकी भी वीडियो मैंने नहीं बना पाई। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं अगर नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।